जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक एहसान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मलिक एहसान डिश नेटवर्क। आज आप दोस्तों के साथ लाया हूँ अनबॉक्सिंग, जिसकी करनी है टाइगर 3000 मेगा है, यूज़ में है। किसी भाई को चाहिए हो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है। तो ये अभी अभी मेरे पास पहुँचा है, किसी कस्टमर से मैंने भी परचेज़ किया है। इसमें एक तो आपको कंडीशन दिखा दूँगा इसकी वीडियो बना के, और इसके अंदर सर्वर वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, लाइन कैसे वर्क करती है एयरटेल की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के निशान को प्रेस करें। चलो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो लंबी मैं नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। तो रिसीवर की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, यूज़ में है। किसी भाई को परचेज़ करना हो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। कंडीशन आपके सामने है, ये देख लें। सील तक ओके है, रिपेयर शपेयर की मेरी गारंटी होगी। बाकी आपको चला के भी दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे दो इसके ऊपर निशान हैं, बाकी रिसीवर सारा फ्रेश है। ये आपके सामने है, ये रिसीवर हो गया, ये रिमोट हो गया इसका, बिल्कुल फ्रेश रिमोट है। ये HDMI केबल है और ये इसका अडाप्टर है 12 वोल्ट का, बिल्कुल ये भी फ्रेश है। जो चीज़ें हैं बहरहाल वो आपके सामने हैं। कोई मसला मसाइल किसी किस्म का हो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। रिसीवर को लगाते हैं जनाब LED के साथ, इसका आपको डिस्प्ले चेक करवाते हैं। और सर्वर तो इसका एक्सपायरी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लैन लगा के आपको चेक करवा देता हूँ कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है और ये कैसे वर्क करता है। चलें जी, बाकी भी किसी भाई को कोई चीज़ चाहिए हो हमारे पास सारे आइटम अवेल हैं। 4K रिसीवर, सेटेलाइट फाइंडर, LNB वगैरह, ब्लैक, अल्ट्रा प्रीमियम, HD गोल्ड, मिनी रिसीवर, कोई भी चाहिए हो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई रिसीवर यूज़ में देना हो एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो बाकी चलते हैं जनाब, रिसीवर को लगाते हैं LED के साथ और इसका आपको डिस्प्ले वगैरह और सर्वर तो एक्सपायरी पहले भी बता चुका हूँ। लाइन लगा के आप चेक करवाते हैं कि इसके अंदर लाइन कैसे आप ऐड कर सकते हैं, सेटेलाइट कैसे ऐड कर सकते हैं, सेटेलाइट ट्यून कैसे कर सकते हैं और लाइन कैसे ऐड करते हैं। ये थोड़ी सी दो चार टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। चलो जी चलते हैं LED की तरफ। जी फ्रेंड, ये रिसीवर है HDMI, इसके साथ लगा दिए। इसको देते हैं जी पावर, ये देखें, ये इसका लोगो है, ये रिसीवर बूट पे है। बाकी आपको LED की स्क्रीन के ऊपर हर चीज़ नज़र आएगी। ये देखें जी, ये इसकी स्टार्टिंग है, रिसीवर जब तक ऑन होता है तो इंतज़ार थोड़ा करते हैं। ये देखें जनाब, सॉफ्टवेयर इसके ऊपर ऑलरेडी है, बेहतरीन रिसीवर है। ये मॉडल आपको नया भी मिल जाएगा, मसला नहीं है, नया भी मिल जाएगा। जिस भाई को चाहिए हो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो है। या ऐसे ही आपने जब नया भी लेंगे ना तो उसकी भी सेटिंग ऐसे ही करनी है। यहाँ पे आपने इंग्लिश रख देनी है, इसके अगले सेटअप में चलते हैं। यहाँ पे ये रेजोल्यूशन पूछ रहा है, जो भी आपके LED के हिसाब से हो आपने वो रखनी है। हमारे पास ये छोटी LED है तो मैं तो 1080 के ऊपर भी रखूँगा। ये अब है टाइम वगैरह, तो यहाँ पर आप ये इस्लामाबाद की रांची कर दें, नेक्स्ट कर दें और यहाँ पे एग्ज़िट कर दें। ये है नए रिसीवर का तरीका कार, जो आप लेंगे उसके ऊपर सॉफ्टवेयर करेंगे इस तरीके से। अब आते हैं जनाब सेटिंग में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाई हुई है एयरटेल, तो डिश की तार लगा के आपको एयरटेल ट्यून करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन को ओपन करें, ये एंटीना सेटिंग है। पहले तो आप देखेंगे इसमें कि आपकी एयरटेल अगर ऐड है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ऐड करें। ऐड करने का क्या तरीका है, ये आपने सब्ज रंग का जो है ना बटन रिमोट के ऊपर इसको प्रेस करना है। यहाँ पे वो निशान भी दे रहा है, ऐड, डिलीट, रीनेम और मूव। हमने ऐड करनी क्योंकि इसके अंदर है नहीं है, तो इस निशान को प्रेस करें। और एंगल एक, ये आपको मैं बता दूँ सब दोस्तों को, एयरटेल 108 जो है ना इसको आपने पूरा 108 रखना होता है। काफ़ी दोस्त होते हैं वो इसका एंगल जो होता है 108.5, 8.2 कर देते हैं, तो फॉर एवर के ऊपर
वो वर्क नहीं करती, कलर भी चेंज करती है लेकिन चैनल आपके नहीं चलते। आप यहाँ पे देखें के यू न्यू है तो आप इसको रिनेम क्या करना है, रिनेम करना आपने येलो बटन से। ये रिमोट के ऊपर देखें ये येलो बटन का निशान है, इसको आपने प्रेस करना है। ये रिनेम आ गया पहले वाला, इसका ख़त्म कर दें जो उसके ऊपर आ रहा है। ये एयरटेल मैंने लिख दिया जी, यहाँ पे आप येलो बटन से भी इसको ओके कर सकते हैं। ये देखें एयरटेल हो गई, नोटीपी, ये आपने के यू बैंड की ये फ्रिक्वेंसी रखनी होती है, ये करें ये करें ये करें ये करें, और यहाँ पे येलो बटन से ब्लाइंड सर्च कर दें। ये ब्लाइंड सर्च आपके सामने शुरू होगी मेन्यू, ये सॉफ्टवेयर ने इसका ये मेन्यू खूबसूरत बढ़ा है, टाइगर 3000 मेगा का ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये है भी बड़ा फिट, मेन्यू भी बड़ा खूबसूरत है, और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है क्योंकि ये अप डाउन नहीं करती। वो एक और इसका सॉफ्टवेयर है उसमें सिग्नल ना अप डाउन काफ़ी होते हैं, इसमें सिग्नल इसके जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं। चलें जब तक ट्यून होती है तो ये टीपी उठाने से नहीं शुरू कर दी है, आप कहते हैं तो थोड़ी सी वीडियो पॉज कर लेते हैं, नहीं कहते फिर भी 3-4 मिनट के अभी है, चलो ट्यून ही देखते हैं कैसे ट्यून करता है और कितने चैनल इसमें ये सर्च करता है। अभी इसने चैनल उठाने शुरू कर दिए हैं, ये रेडियो को भी उठा रहा है और सेटेलाइट के भी उठा रहा है, 53 चैनल ट्यून हो गए हैं। चलें ये 1-2 मिनट आप बर्दाश्त कर लें। बाकी साहब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए बनाते हैं ताकि आप चीज़ें हमसे परचेज़ करें, आपको इस्तेमाल करने में मुश्किल ना आए। हम किसी टाइम ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, फ़ोन नहीं सुन सकते, हमारी भी मसरूफियात होती हैं। बाकी सब दोस्तों से और मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे प्यारे भाई मेरे, उनसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट्स करते हैं वीडियो के ऊपर, अगर उसका मैं रिप्लाई ना दे सकूं तो मेरा नंबर भी होता है, व्हाट्सएप भी उसी नंबर पे है, मेरा नंबर है, आप मुझे मिस कॉल कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। किसी भाई के कमेंट्स का अगर मैं रिप्लाई ना दे सकूँ तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। ये चीज़ें सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुँचे और आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करने में आसानी हो, हमारा ये होता है। बाकी किस्मत होती है जी हर इंसान की, वो अल्लाह पाक के हाथ में रोटी रोज़ी है, जिसकी ज़्यादा है जिसकी थोड़ी है वो अल्लाह पाक ही जानता है। चलें जी बातें काफ़ी हो गई हैं, तो ये हमारे चैनल ट्यून हो रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज कर लेता हूँ। जी फ्रेंड ये हमारी कंप्लीट हो गई सर्चिंग, आपको चैनल दिखा देता हूँ इसने कितने सर्च किए हैं, ये देखें जी 782 चैनल इसने सर्च किया है, तकरीबन कंप्लीट सर्चिंग हमारी हो गई है। अब क्या करना है जी, नया ऐसे समझे कि ये नया रिसीवर है, सबसे पहले आपने नेटवर्किंग में जाना है, इसका वाईफाई आपने कनेक्ट करवाना है। यहाँ पर देखते हैं मैंने मोबाइल से इसको हॉटस्पॉट, यहाँ पर ये ऑफ आए ऑफ, ये देखें ऑन करना है। जी मैंने ये मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, तो ये देखें हमारा मोबाइल आ गया, इसका पासवर्ड यहाँ पे आपने लगाना है, तो जो भी पासवर्ड हो वो आपने अपना लगाना है जी, हमारा तो ये है ओके, और ये कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। अब चलते हैं जनाब सर्वर की तरफ है। ये जो एंड्रॉयड रिसीवर होते हैं ना उसके ऊपर आपको F1, अब रोड भी हमारे साथ है, गाड़ियों के हारन शारन आते हैं, आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे, इनको F1111 करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सर्वर इसका एक्सपायरी है, ये पहले भी आपको दिखा दिया, ये देखें, तो इसको करते हैं जी ऑफ़। ऑफ़ करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखें जी लोड डिलीट डिफ़ॉल्ट सर्वर येलो अपना ब्लू बटन से, ब्लू बटन प्रेस करें, यहाँ पे यस कर दें, सर्वर हमारा ऑफ हो गया जनाब। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने लगानी है जी लैन, लैन लगा के भाइयों को चेक करवाता हूँ कि लैन लगाने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे देखें जी सर्वर तो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, ये आ गया ऐड
डिलीट एडिट, आपने करना ऐड, तो सब्ज बटन से आप करें ऐड। ये देखें जी एम जी के एम, पहले तो इसको ऑन कर ले, ये यस हो गया, एम जी के एम है, एम जी के एम डालें जनाब। यहाँ पे आई पी यू आर एल, यहाँ पे जो आपको वो पोर्ट देंगे वो आपने लगानी है। तो हमारी पोर्ट ये है जनाब, ये लैन हमारे काशिफ भाई हैं बन्नू से, उनकी लैन मैं लेके हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त लैन है। किसी भाई को चाहिए हो उनको नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप काशिफ भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो लैन में कोई मसला मसाइल हो वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी, एयरटेल की है, टाटा स्काई की है, हर लैन आपको मिलेगी और गारंटी के साथ मिलेगी। यहाँ पे आपने पोर्ट डालनी है, जो भी होगी बहरहाल वो लाइन तो आपके सामने होगी ना। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे इसको पहले हटाना है हमने। यहाँ पे आप डालेंगे पोर्ट, ये हो गया, ओके करें जी, ये भी हो गया। ये डिस्क की जो होती है ना, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी यही रहती है। जी फ्रेंड, ये यूज़र वगैरह सारा मैंने डाल दिया। अब आपने यहाँ पे कन्फर्म जो करना है जी, वो रेड बटन से करना है। ये कन्फर्म हो गया, अभी ये कनेक्ट हो जाएगी लाइन हमारी। देखें जी लाइन कनेक्ट हो गई, इसको हटा देते हैं और आपको चैनल चला के दिखाते हैं। ये चैनल भी चल गई है, बस थोड़ा सा आपको चेक करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा प्ले करें कॉपीराइट का इशू आ जाता है। बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, काशिफ भाई हैं बन्नू से, बड़ी स्पीड से लाइन चलती है। ये देखें, बस आपको चैनल चला के दिखाऊंगा। बाकी आपने कभी टेस्ट लाइन चेक करनी हो आप मुझे मैसेज कर देना, वो भी आपको चेक करवा देंगे, मसला नहीं है। तो बाकी ये किसी भाई को चाहिए हो, लाइट चली गई है, चलो हमारा जो काम था वो हो गया। किसी भाई को चाहिए हो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। बाकी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।